मैं नाकुल हूँ, मैं बैंगलोर से आया हूँ। पेशे से तो मैं एक जादूगर हूँ। तो लोग सोचते हैं ये जादू कैसा होता है, तो मैं आज आपको थोड़ा जादू दिखाऊंगा, थोड़ा जादू के बारे में बोलूंगा और थोड़ा सा जादू सिखाऊंगा भी, ठीक है? शुरुआत करने के लिए मैंने यहाँ दो दोस्तों को बुलाया है, हसन और फैजल, आप आ जाएंगे। आपने जादू देखा है पहले? देखा है? कहाँ जादू देखा था? टीवी पे देखा था, ठीक है। अभी आप यहाँ बहुत नजदीक से देखोगे, ठीक है? आपको मैंने पहले भी पूछा था, आप कौन से कक्षा में पढ़ते हो? फिफ्थ स्टैंडर्ड में हो और आप सेवेंथ स्टैंडर्ड में। आपको गिनती आती है? आती है? कितने तक गिन सकते हो? अच्छा ठीक है, 10 तक गिन सकते हो, 10 तक गिन सकते हो, ठीक है। आप काम करो, आप ये ले लो, उसमें से आप इसमें एक एक करके 10 कार एक एक करके डाल देना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपका नाम? फैजल। फैजल आप ये इनको दे दो और आप ये पकड़ लेना, अभी ठीक से पकड़ लेना। और आप अभी 10 कार्ड काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक से डाला है ना? 10 ही कार्ड तो डाले हैं, ठीक है। अभी उसको ऐसे पकड़ो, ऐसे ऐसे वहां देखो, हंसो। अच्छा अभी आप भी करो। अभी आपने 10-10 कार्ड रखे हैं। अभी आप जब भी कोई जादूगर को स्टेज पे देखते हो तो हमेशा बोलते हैं, मेरे हाथ में जादू है, मेरे आंखों में देखो, मैं आपको जादू दिखाऊंगा। ये सब झूठ है, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा पावर्स नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई शक्ति नहीं है जिससे हम आपको आंख का धोखा कर सके। हमारे पास हाथ की चालाकी है। हम आपको ऐसा दिखाते हैं जैसे कि हमारे पास कुछ शक्ति है जिससे हम ये कर सकते हैं। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अभी देखिए, आपने कितना कार्ड है आपके पास? 10। और आपके पास 10। अभी मैं क्या करूंगा फैजल, मैं आप फैजल है ना और आप हसन है ना, चेंज तो नहीं किया आपने नाम? अच्छा अच्छा, मैं आपसे एक कार्ड ले लूंगा, ठीक है? आप थोड़ा उसको ऐसा पकड़ो, एक कार्ड निकाल रहा हूं, नहीं पकड़ो जोर से, एक कार्ड निकाल रहा हूं, ये निकाला, हल्का हुआ ना थोड़ा सा? हाँ हल्का हुआ। अभी आप ऊपर पकड़ो, ऊपर 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 ऊपर, अभी भारी हुआ, भारी हुआ, हाँ। आप क्यों हंस रहे हो? हुआ ना भारी, इसका हल्का हुआ है। और एक देखो, ये और हल्का हुआ, हाँ बहुत हल्का हुआ, दो कार्ड गए और ये भारी हुआ। मैं बोल रहा हूं मेरे पास जादुई शक्ति है, देखो तीसरा कार्ड निकाल रहा हूं मैं, ये आया और ये हुआ बहुत भारी। हाँ आपके पास कितने कार्ड? 13। और आपके पास? 7। 7, 7 और 13। थैंक यू। आप क्यों हंस रहे हो? आप बिलीव नहीं कर रहे हो? आपको तो पता है ना आपके पास 7 ही हैं और आपके पास 13 कार्ड है। अभी वो कोई आप पे बिलीव नहीं कर रहा है, उनको दिखाएं, ठीक है? आप काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 3 कार्ड कहाँ गए फैजल? जेब में तो नहीं डाले, ठीक है? मैं देखता हूँ आपके पास, आप काउंट करेंगे एक एक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये आपने कैसे किए? अभी आप जब कोई भी जादूगर को देखते हो, वो नहीं बोलते हैं कि हम हाथ की सफाई करते हैं, हमें हमारे पास शक्ति नहीं है। अगर आप कोई एक एक बार कोई बाबा करके आते हैं या कोई बोलते हैं कि हमारे पास शक्ति है और बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ पकड़ो, ये हाथ में पकड़ो और वो गायब हो जाता है, और हम समझते हैं कि उनके पास कुछ जादुई शक्ति है।
नहीं है, कुछ माँ, कुछ बाबा, कुछ भगवान, कुछ देवता, ऐसा कुछ तो शक्ति है जिससे वो ये कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं, जैसा हम जादूगर करते हैं वैसे ही करते हैं। मैं ऐसे बोलने से आपको कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, तो मैं आपको और एक कुछ दिखाता हूँ। और ये खाली मैं आपको जादू नहीं दिखा रहा हूँ, आपको बोल भी रहा हूँ, आपको समझाऊंगा ये कैसे होता है। ठीक है, अभी हम एक चमत्कारी जादू करेंगे। हाथ आगे करो, आपके हाथ में ये रख रहा हूं, आप ये पकड़ो। इसमें क्या है, एक सिक्का, और ये सिक्का जो है मैं इसके ऊपर रख रहा हूं। ठीक है, आपके पास खाली कवर, ये कवर मैं इसके ऊपर रख रहा हूं। ठीक है, बंद करो, पकड़ लो। अभी ये हाथ की सफाई नहीं है, ये जादू है। क्यों हंस रहे हो? तो लोग ऐसे बोलेंगे, आप बिलीव मत करना, आप उनको ऐसा नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं कि जादू ही शक्ति है, नहीं है, उनके पास हाथ की सफाई है। देखिए, जैसे मैं बोलता हूं, ये चमत्कार हो गया है। सिक्का कहां गया? सिक्का तो नहीं है, इसके अंदर कुछ लाल कलर का कुछ है, तो ये हुआ चमत्कार, है ना? अभी आप सोचोगे, नहीं, इसके पास कुछ बाबा है जिनके पास ऐसा जादुई शक्ति है जिससे ये कर रहे हैं। अभी मैं आपको समझता हूं, अभी आप सीखोगे कि हाथ की सफाई इसको क्यों बोलते हैं। ये पकड़ो, इसमें तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उसमें भी कुछ नहीं है, खाली लाल कलर का पाउडर है। अभी ये इसके अंदर दूसरा कंपार्टमेंट है, दूसरा एक चीज है जिसके अंदर कॉइन है। तो ये रहा, तीन पार्ट्स में है, तीन पीसेस में है, तीन चीजें हैं यहाँ। अभी ये जो है, आप जो बच्चे यहाँ आज हैं हमारे साथ, आप जब यहाँ से हॉल से जब प्रोग्राम के बाद बाहर जा रहे हो, तो आप सबको ऐसा एक चीज दिया जाएगा जिससे आप लोग ये चमत्कारी जादू कर सकते हो। ठीक है, कैसा करना है? ये आपको लेना है एक छोटा डब्बा, जिसके ऊपर वाले डब्बे के अंदर दो डब्बे हैं। ठीक है, तो ये अंदर वाला आपको ऐसा निकालना है और ऐसे रख देना है, और ये दूसरे हाथ में पकड़ना है। पकड़ो, और कोई भी सिक्का ले लो, किसी से भी कोई भी सिक्का, और वो सिक्का आप ऐसे रखो, बंद करो, और जादू ये मंत्र बोलो। एक्चुअली मंत्र बोलने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हाथ की सफाई है। बंद करो और खोलो, सिक्का जाता है अंदर। ये ऐसे खोल के मत दिखाना है। अभी मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि आप इसके बाद जब भी कोई जादूगर को देखते हो, जादूगर तो आपके मजाक के लिए करता है, आपको बहलाने के लिए करता है जादू, बट कोई और बाबा मंत्रवादी ऐसे लोगों को जब देखते हो, कि जो बोलते हैं मेरे पास ऐसे शक्तियां हैं, आपके पास ये है घर में, आप इसको देखना और याद रखना कि ऐसा कुछ नहीं रहता, ये सब हाथ की सफाई है। जैसे कि फैजल के हाथ से तीन काल ताश के पत्ते हसन के हाथ में गए, अगर मैं आपको बोलता नहीं कि ये हाथ की सफाई है, ये जादू होता, है ना? तो आप ये इसको याद रख देना।